मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्योफिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेट्रम सेल्फ के बारे में है। नेट्रम सेल्फ एक जो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, ये सोडियम और सल्फर दोनों से मिलकर बना है। सो इसमें, इसके पेशेंट में ये दोनों तरह के सिम्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। खास तौर पर इसको अगर हम देखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो बेहतरीन जो इसका एक्ट है वो लीवर में है। लीवर में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। जॉन्डस अगर होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, यकान अगर है तो नेट्रम सल्फ देने से वो भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को यूरिक एसिड है तो 2 माह लेने से, नेट्रम सल्फ 6 एक्स लेने से वो भी ठीक हो जाएगा। गर्मी में अगर बारिश हो गई है और उसकी वजह से आपको अगर खांसी हुई है, तो उसमें नेट्रम सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप भीग गए हैं और भीगने के बाद खांसी हुई है, तो रस्टॉप भी हम साथ में लेंगे। अदरवाइज आप अगर बरसात में, आपको इस तरह से हुआ है कि आपको खांसी हो गई है मौसम बदलने से, ये बारिश के होने से आपको ठंडी सी पड़ गई है, तो उसके लिए नेट्रम सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको नेट्रम सेल्फ आपने इंटेक कर ली है, या आपने ले ली है, या अपने बच्चे को दे दी है, तो आपको फिर कभी भी बरसात में सर्दी या खांसी नहीं होगी। अगर आपने इसको एज आ हिफ्स मात कदम के तौर पर लिया है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जब भी हम कोई पेस्टिसाइड सब्जी खाते हैं, यानी उसको खाद लगा होता है, या तालाब का पानी जो मछलियों का होता है, या गंदा पानी के लोग साबुन का और नहाकर उसमें से निकलते हैं, और गंदे पानी की जो सब्जियां उगती हैं, अगर इस तरह की सब्जी हमने खा ली है, तो बरसात के दिनों में हमें गैस्ट्रो बहुत ज्यादा होता है, या गर्मी के दिनों में हमें गैस्ट्रो बहुत ज्यादा होता है, और हमें इंटेस्टाइनल इश्यूज जो हैं बहुत ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर कभी हमें इस तरह की टेंडेंसी बनती है, तो उसमें नेट्रम सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर खास तौर पर हम जब खाना खा लेते हैं और उसमें कोलिकी पेन होते हैं, और हम कहते हैं हमने जस्ट सब्जी खाया है और हमने कुछ नहीं खाया, तो उसके वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं और हमें मरोड़ से उठते हैं, तो उसके लिए नेट्रम सेल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको अगर डायरिया हो गया है, खसूसी तौर पर वो डायरिया जो यकायक हो जाए, अचानक हो जाए, और वॉशरूम जाने से बहुत ज्यादा आवाज पैदा हो, तो उसके लिए नेट्रम सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको स्किन की तरफ अगर हम आते हैं, तो स्किन जो है जब हमारी खराब हो जाती है, यानी अगर सर्दियों में खराब हो गई, फिर तो हम नेट्रम सेल्फ नहीं लेंगे, फिर तो हम पेट्रोलियम लेंगे। और अगर हमारी गर्मियों में खराब हो गई है, तो फिर तो हम हेपर सेल्फ लेंगे। और अगर खुश्की का जमाना आ गया है और खुश्क खुश्क सी सर्दी है और हमारे नाखूनों के उसमें निशान आ रहे हैं, फिर हम सल्फर लेंगे। और अगर बरसात है और बरसात में हमारा जो रंग है वो खराब हो रहा है, या काला काला सा हो रहा है, या गर्मी जैसे ही गई है और फिर सर्दी सी आना शुरू हुई है, या बरसात होना शुरू हुई है, और उसमें हमारे जो स्किन है उसमें अजीब सा पसीना और समथिंग कुछ इस तरह से हो रहा है, स्किन जो है वो नीट नीट सी नहीं फील हो रही, तो उसमें नेट्रम सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्पाइनल मेनिनजाइटिस अगर आपको हो गया है, स्पाइनल मेनिनजाइटिस जो कि हमें फ्लूड और मिम्ब्रेन के इन्फेक्शन की वजह से, जो के रेलेवेंट होता है स्पाइनल कोड और ब्रेन से, अगर उसका इन्फेक्शन हो गया है, जो कि हाँ जिंदगी खत्म कर देने वाली बीमारी है और 24 घंटे के अंदर इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसमें भी अगर आपको इस्तेमाल करना है, अभी शुरू शुरू में है और आपको ज्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो बहुत ही नेट्रम सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और खास तौर पर नेट्रम सेल्फ जो है हिप्स मातकद्दुम के तौर पर, कि अभी आपके कमर में दर्द हुआ है और अभी आप मेनिनजाइटिस की तरफ नहीं गए, ये स्पाइनल कॉर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये बेंड होने से आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर पर अगर आपको बचपन में कभी चोट लगी है, खास तौर पर अगर आपको कभी बचपन में चोट लगी है, तो रस्टॉप के साथ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और बात मैं आपको बताती जाऊं, बचपन से रेलिवेंट जो है, कि अगर आपको कभी बचपन में चोट लगी है और अल्जाइमर सा आपको फील हुआ, याददाश्त की अगर आपको कमी होने लगी, या आप कुछ चीजें भूलने लगी हैं, तो उसमें नेट्रम सल्फ जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी लेडी को गनोरिया हो गया है, या सुजाक है मेल को, तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
अगर साथ में लेडीज को खास तौर पर लंग्स इन्फेक्शन भी है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हीमोफेलिया के मर्ज में, हीमोफेलिया यानी जब आपका खून जो है कट लगता है और वो निकलता ही रहता है और बंद नहीं होता, तो अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं, हीमोफेलिया अगर आपको है तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको सर्दी लग गई है और उसकी वजह से नाक बंद हो गई है तो उसमें भी ये बहुत ही कार आमद जो है वो दवा है। अगर हमें वॉमिटिंग हुई है और वॉमिटिंग में यरकान के इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी पीली पीली सी हमारी उल्टी हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और किसी ऐसी जगह जहाँ पर मलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है और आपको अभी मलेरिया नहीं हुआ या आपके बच्चों को नहीं हुआ, तो आप जब नेट्रम सेल्फ ले लेंगे, 6-6 जो टैबलेट्स हैं बड़ों के लिए और 4-4 छोटों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं इन्फेंट्स के लिए, और बहुत छोटे बच्चे हैं तो 2 टैबलेट आप दे सकते हैं, तो उनको फिर मलेरिया जो है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर आपको टूथेक है, अगर आपको दांत में दर्द है और वो दांत का दर्द जो आपको रुला दे, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो खास तौर पर इसका साइन है कि अगर मुंह में आप ठंडा पानी की कुली करें और बार बार कुली करते रहें और उससे आपको आराम मिले, दांत के दर्द का आराम मिले, तो ऐसे दर्द के लिए जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम सेल्फ। 6 टैबलेट आप सुबह लेंगे, 6 शाम में लेंगे और 6 दोपहर में लेंगे, तो आपका दांत का दर्द जो है वो इंशाल्लाह फौरन ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं खसूसी तौर पर जो नेट्रम सेल्फ की लेडीज होती हैं उन पर क्या इसका इफेक्ट होता है। नेट्रम सेल्फ अगर खुली जगह पर कोई औरत जाए और सेंसिटिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, किसी किस्म की सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज होती है, तो उसमें नेट्रम सेल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लीवर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। और जिगर के रीजन पर, अगर खास तौर पर जिगर के रीजन पर सुइयां चुभने का एहसास हो और इस तरह से लगे कि जिगर फट जाएगा और बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो और इंसान जो है मरने तक आ जाए और कहे कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसमें नेट्रम सेल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर हम पोडोफाइलम भी साथ में दे देते हैं तो ये और ही इफेक्टिव मेडिसिन बन जाती है। और अगर गुस्सा और डिप्रेशन जो है वो है तो ये और ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि गुस्सा और खास तौर पर डिप्रेशन की वजह से ही जिगर का आर्जा जो है वो तकरीबन लाहक होता है। राइट साइड पर बैक पर हाथ मारने से अगर आपको पेन होता है तो डेफिनेटली आप जिगर के पेशेंट हैं, और अगर आपको राइट साइड पे पेन हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और साइन होता है स्किन पर कि अगर आपको जिगर का मर्ज है और लीवर का मर्ज है, या आपको फैटी लीवर हो रहा है और आप बाकी सारी तरह से नीट हैं, और या आप एवरेज कलर के हैं मगर आपके चेहरे पर काले काले से दाग पड़ गए हैं, या माथे के ऊपर या भमों के अंदर, और लोग समझ लेते हैं कि उनको छाइयां हैं, वो छाइयां नहीं होती, वो बेलीज कंडीशंस होती हैं, वो हमें चेलिडोनम देने से और नेट्रम सेल्फ देने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर कभी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो कि उनको मलाजमा हो रहा हो, तो वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर पर लेडीज में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मलाजमा है या जिगर का खास तौर पर आपको आर्जा है और उसके साथ आपकी स्किन जो है वो डार्क हो रही है, खास तौर पर जो चेहरे के ऊपर की जस्ट स्किन और बाकी जो है सब नीट है, अगर इस तरह के आपको प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर खास तौर पर आपको येलुइश कलर के पखाने आ रहे हैं, पीले रंग का अगर पखाना आ रहा है, आपको मोशन पास हो रहा है जो येलो कलर का है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि खास तौर पर जब हम इसकी मेडिकेशन करते हैं तो ये चूंकि फॉसिस हैं और बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के ये नमकियात होते हैं, और जब भी इसको लेना है तो 4 टैबलेट छोटे बच्चों के लिए, 4 टैबलेट सुबह और 4 दोपहर और 4 शाम में लेंगे। इसी तरह अगर किसी बड़े को इस तरह की प्रॉब्लम है तो 6 टैबलेट सुबह लेंगे, 6 शाम में लेंगे और 6 रात में लेंगे। और अगर दोपहर में जैसे काम वाले या जॉबियंस होते हैं, तो दोपहर में अगर आप नहीं ले सकते मेडिसिन, तो आप 4 टैबलेट जो है उसके साथ, ये 6 टैबलेट के साथ आप 2 टैबलेट और बढ़ा दें, यानी दोपहर की बेशक मेडिसिन ना लें मगर सुबह और शाम की मेडिसिन जो है वो जरूर लें, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।